सो खीरा छाड़ के करे आन की आस ते नर दोजक जाहेंगे सत पाख रविदास प्रेम पंथ की रविदास बैठे ओ आए साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो ना जाए तन तन पिता संतोख है तन तन कल समाई आई ज्योत गुरु रविदास जी जग होई रुशनाई आई ज्योत गुरु रविदास जी जग होई रुशनाई सतनाम नर हर चंचल है मत मोरी कैसे भगत करूं मैं तोरी कैसे भगत करूं मैं तोरी टेक तू मोहे दिखे मैं तोहे देखूं प्रीत परस पर होई तू मोहे दिखे हाँ तोहे ना देखूं एह मत सब बुद्ध खोई सब कट अंतर रमस निरंतर मैं देखत हूँ नहीं जाना गुण सब तोर मोर सब औगुण कृत उपकार न माना मैं तो तोर मोरी असमजस कैसे कर निस्तारा कह रविदास माधव करुणा मैं जय जय जगत आधारा मैं तो तोर मोरी असमजस
कैसे कर निस्तारा। कह रविदास माधव करुणा मैं, जय जय जगत आधारा, जय जय जगत आधारा। परम सत्कार जो धन धन सच्चे पातशाह साहिब सतगुरु रविदास जी महाराज जी दे पावन और पवित्र दरबार सतगुरु रविदास धाम विखे एकत्र होई गुरु प्यारी गुरु रूप साध संगत जी सब तो पहला सारी संगत नू धन धन सतगुरु कबीर जी महाराज जी दे पावन और पवित्र प्रकाश दिहाड़े दियाँ बहुत बहुत खुशियां बहुत बहुत बधाइयां होण। गुरु पातशाह जी कृपा करने साल महीने हर कड़ी हर एक पल सतगुरां दी कृपा दे नाल अपार बख्शिशां लैके आए। गुरु प्यारी साध संगत जी अकाल पुरख परमात्मा वालों ये जो संसार दी सिरजना कीती गई, चाहे गल कर लिए सतयुग दी, चाहे त्रेते दी, चाहे द्वापर ते, चाहे अज दा समा कलयुग, ये संसार ते अनंत महापुरश आए। वो महापुरश चाहे किसी भी धर्म नाल संबंध रखते हो, किसी भी मजहब के नाल संबंध रखते हो, क्योंकि जेडे पूर्ण महापुरश आ उन्हां दा संसार ते आउण दा जो मुख मकसद हुंदा है वो यही है भी वहमां भरमां दे विच पई हुई दुनिया नूं, कर्मकांडां दे विच पई हुई दुनिया नूं वहमां भरमां और कर्मकांडां दे विचों बाहर कढ़ के उस अकाल पुरख परमात्मा दे नाल जोड़ना। एक ऐसा ही समा अज तो 640 साल पहला काशी बनारस दे विच जो अग्ञानता दा हनेरा छाया होया सी, उस अग्ञानता दे हनेरे नूं दूर करन वास्ते बनारस ते कांशी दे विच गुरु प्यारी साध संगत जी धन गुरु रविदास जी महाराज, धन गुरु कबीर जी महाराज, ऐसे कई महापुरशां नूं आना पिया। और इन्हां महापुरशां ने वहमां भरमां और कर्मकांडां दे विच पए हुए लोकां नूं सच दे नाल जोड़िया, उस अकाल पुरख परमात्मा दे नाल जोड़िया। गुरु प्यारी साध संगत जी धन गुरु कबीर जी महाराज जी दे जो बचन है और इन्हां बचना इन्हां शब्दां दे विच जो ज्ञान है, अगर असी उस ज्ञान दे सागर दे केवल एक या दो बूंदा नूं ही पी लईए तो गुरु प्यारी साध संगत जी जीवन आनंद का घर बन जाएगा। धन गुरु कबीर जी महाराज फरमाते ने कि भाई कबीर जहां ज्ञान तहां धर्म है, जहां झूठ तह पाप, जिनके हिरदे सच है तिनके हिरदे आप। ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अज असी धार्मिकता बनते हैं, धर्म का अर्थ ये नहीं है भी जो नज़र आ रहा बस उत्थे मत्थे टेकी जाओ, जो नज़र आ रहा सीस झुकाई जाओ। धर्म का अर्थ सच भी है। महाराज जी कहिंदे असली धर्मी भाई उही बन सकदा जिहदे कोल ज्ञान है। और यही गल धन गुरु रविदास जी महाराज भी कह रहे हैं,
सत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या नरको जान अजान। महाराज जी कहते जिन भाई सत विद्या नू पढ़े आया और उस सत विद्या नू पढ़ के उदे विच्चो ज्ञान प्राप्त किया आ, गुरु प्यारी साध संगत जी जीवन दे विच कदे मार नहीं खांदा। ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। देखो एक ता ज्ञान ये परमार्थ दा ज्ञान है, एक आत्मक ज्ञान है, ये भी होना जरूरी है। लेकिन ये नाल नाल गुरु प्यारी साध संगत जी जिहड़ी संसारक विद्या आ भाव साड़ी जिहड़ी पढ़ाई है वो भी होनी बहुत जरूरी है। देखो कदों दी गल, अज दा समा देखिए ते अज तो 650 साल पहला दे समय नू देख लईए। उस वेले आए सतगुरां ने सानू एक गल कही, कहिंदे भाई ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हुण जिहदे कोल तां ज्ञान है वह काते भरोसा करदा, वह भरोसा करदा या सतगुरां दी पवित्र बाणी ते। जिहदे कोल ज्ञान है वह भरोसा करदा या परमात्मा दे नाम दे उपर। जिहदे कोल ज्ञान है उहदा भरोसा बनदा या केवल सच दे उपर। ते गुरु प्यारी साध संगत जी जिहदे कोल ज्ञान नहीं है वो कोई पत्थरां नू पूजी जा रहा, कोई मड़ियां मसाणां वल तुरिया होया आ, किते चार इट्टां सजाईयां होईयां उत्थे दीवे बाल बाल के बड़ा खुश हो रहा आ। ते महाराज जी कहिंदे दादू दुनिया बावली मड़ियां पूजण ऊत, जिहड़े जहानों लद गए उन्हां तों मंगदे पूत। ये दुनिया भाई बावली है, मड़ियां पूजण ऊत मड़ियां की पूजा करी जा रहे हैं, जिहड़े जहानों लद के जिहड़े दुनिया तो जा चुके उन्हां तों मंगदे पूत। असीं उन्हां को महाराज जी कहिंदे दाता मंगदे पए। गुरु महाराज जी कहिंदे जे भाई मंगणा तो उस मालक कोलों मंग। वो मालिक कित्थे है? महाराज जी कहिंदे अपने हिरदे दे विच झाती मार के देखो, परमात्मा तेरे अंदर है। जिहदे को गुरु की बाणी का ज्ञान है वहमां भरमां विच नहीं पैंदा। गुरबाणी नाल जुड़ना बहुत जरूरी है। धर्म के मामले दे विच असीं बड़ा पिछे रह गए हैं। वो पिछे रहण का कारण की है? असीं तस्वीरां की लड़ाई लड़ी जाते हैं, बस तस्वीरां नाल जुड़े हुए हैं, तस्वीरां दे अगे दीवे बाली जांदे हैं, तस्वीरां दे अगे धूप जलाई जांदे हैं, कदे गुरु दी बाणी नूं नहीं पढ़िया। ज्ञान कित्थों मिलेगा? ज्ञान मिलेगा सतगुरां दी पवित्र बाणी दे विच्चों। जिनके हिरदे सच है ज्ञान, गुरु प्यारी साध संगत जी सानूं सिखाउंदा आ के भाई सच दे धारनी बनो। तिनके हिरदे आप, जे परमार्थ की भी गल करिए ते महाराज जी कहिंदे रब भाई उन्हां दे अंदर है जिन्हां दे हिरदे दे विच सच है। सो ये ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। धन गुरु कबीर जी महाराज जी का जीवन जिहड़ा आ, जेकर आपां कहीए ना भी एक अद्धे सतसंग दे विच उहनां दे जीवन दे विचार कर लईए तो असंभव है। उहनां दा जीवन और उहनां दे जीवन दे विच जो जो उहनां ने कौतक रचे आ, जो जो उहनां ने साडे ते कृपा कीती है, गुरु प्यारी साध संगत जी मेरे वर्गे निमाणे जाए अगर कई जन्म लैके भी सतगुरु कबीर जी महाराज या सतगुरु रविदास जी महाराज जी की शोभा कर लैन तो इन्हों की शोभा का अंत नहीं पाया जा सकता। सात समुंदर मस करूं कलम करूं बन राय, बसुदा कागद जो करो हर जस लिखन ना जाए। इन्हों महापुरशां की शोभा रब दे बराबर है। महाराज जी कहिंदे सात समुंदर मस करूं, अगर सत्तां समुंदरां दी साई बना लईए, कलम करूं बन राए जिन्नी भी बनस्पति उहदियां कलमां बना लईए, वसुधा कागद जो करो अगर इस धरती का कागज बना लईए हर जस लिखन ना जाए। रब की शोभा और सतगुरां की शोभा लिखी नहीं जा सकती। वाहिगुरू।
वैसे तो बहुत सारा ज्ञान है सतगुरां दे शब्दां दे विच, लेकिन आपां अज इस शब्द की विचार करांगे। सतगुरु कबीर जी महाराज जी दे सलोक है कि जे भाई निम्रता तेरे अंदर है, अगर तू निम्रता का धारनी बनता है तो तू मालिक दे बड़ा करीब चला जाएगा। हुण बंदा कहिंदा निम्रता किन्नी होनी चाहिए है, क्योंकि मैं भी कहिंदा भी मैं बड़ा निम्रता दे विच रहिंदा आ, होर भी कई है कहिंदे भी नहीं भाई असी तां माण नहीं करदे, असी तां नीवें होके रहण वाले बंदे आ। सतगुरु कबीर जी महाराज जी नूं पुछदे आ आपां कि महाराज निमाणापन किहनू कहिंदे आ, निम्रता किहनू कहिंदे आ। कबीर रोड़ा होए रहो बाट का, ताज मन का अभिमान, ऐसा कोई दास हुए ताहे मिले भगवान। महाराज जी कहिंदे ने रोड़ा बन जाओ, रोड़ा पत्थर, हुण पत्थर दा जगह कित्थे है, रोड़े दी जगह कित्थे है, वह सदा पैरां दे विच रहिंदा है। रोड़ा होए रहो बाट का तज मन का अभिमान, अपने मन दे विच्चों अभिमान नू खत्म करना, ऐसा कोई दास हो। रब दे दास इदा दे होने चाहिए आ, रब दे जन ऐसे होने चाहिए, ताहे मिले भगवान, रब फिर मिलता आ। भगत चला गया, छे क महीने उन्हें बड़ी मेहनत की, छे क महीने मेहनत करन तो बाद आया सतगुरु कबीर जी महाराज जी दे कोल, कहन लगा सतगुरु जी तुहाडी बड़ी कृपा हो गई, मेरी अवस्था कहिंदे हुण रोड़े वाली बन गई है, भी मैं अपने आप नूं एक रोड़े तो ज़्यादा कुछ नहीं समझदा, पर रब नहीं मिलिया। धन गुरु कबीर जी महाराज कहन लगे, ये तो भाई तेरा पहला पौडा सी, अजे मंजिल गांह आ, ये तो पहला पौडा सी। रोड़ा हुआ तो क्या पया, पंथी कौ दुख दे। महाराज जी कहिंदे पत्थर ही बनिया ना, रोड़ा बनिया ना, बहुत बड़ी गल नहीं है भी। कदे भी सोचिया भी जिहड़ा राह आ, जिहड़ा रोड़ा आ, वह राह विच जांदे कदे राही नूं पैर च लग जांदा ते उहनूं दुख दिंदा, उहनूं तकलीफ दिंदा आ। महाराज जी कहिंदे फिर रब दा जन कैसा होना चाहीदा आ, ज्यों धरनी मैं खे। महाराज जी कहिंदे जिवें खे आ ना, बस खे बन जाओ, खे बन जाओ। कहन लगा महाराज ठीक है, फिर चला गया, फिर उन्हें बड़ी मेहनत की, फिर अपने विच निम्रता नूं लैके आया, हुण खे वाली अवस्था दे विच आ गया। फिर छे क महीने लगाए तो सतगुरु कबीर जी महाराज जी के चरणों में आ गया। कहन लगा महाराज हुण तां खे वाली अवस्था भी बन गई है, लेकिन मालिक नहीं मिलिया। धन गुरु कबीर जी महाराज थोड़ा मुस्कुराउण लगे और कहन लगे कि भाई ये तो तू दूजा पौडा चढ़िया, मंजिल अजे होर है, गां है। कहन लगा महाराज हुण खे तो ज़्यादा मैं की बन जावां। महाराज जी कहिंदे खे हुई तो क्या पया, जो उड लग गए अंग। खे भी कहिंदे जिहड़ी है ना, भाव मिट्टी धूड़, ये भी कहिंदे जद उड़दी है तो बंदे दे कई बार सिर ते आके पैंदी है। कहिंदे रब दा जिहड़ा जन है वह तो निम्रता वाला होना चाहीदा आ। ते महाराज हुण तुसीं कृपा करो, दसो फिर मैं हुण की करां। महाराज जी कहिंदे हर जन ऐसा चाहिए ज्यों पाणी सरबंग। महाराज जी कहिंदे पाणी बन जा। हुण पाणी दी निशानी की है, पाणी दा सुभाव की है, पाणी नूं जिधर भी नीमापन मिलना पाणी ने उधले पासे चले जाना। एक सूत्र भर भी जिधर पाणी नूं नीमापन मिल गया ना, पाणी ने बिना सोचे समझे उधर पासे चला जाना। कहिंदे पाणी बन जा। फिर बेचारे ने छे क महीने मेहनत की,
नाम जपया, सिमरन किया, अपने बिचों मैं होर ज़्यादा दूर किया। हुण पाणी वाली अवस्था दे विच आ गया ते धन गुरु कबीर जी महाराज जी दे चरणां विच आया, नमस्कार की, कहन लगा महाराज भी तुहाडी कृपा होई है, हुण तां पाणी वाली अवस्था भी बन गई है, लेकिन मालक तां अजे भी नहीं मिलिया। धन गुरु कबीर जी महाराज कहन लगे भी भाई मंजिल अजे दूर है। भगत कहन लगा महाराज मैनू एक गल दस दिओ भी रब का जन रब का प्यारा किदां दा होना चाहिए। बस कहिंदे हुण आखरी मंजिल मैनू दस दिओ। धन गुरु कबीर जी महाराज कहन लगे पाणी गुआ तो क्या भया सीरा ताता होए। पाणी भी भाई कदे गर्म ते कदे ठंडा हुंदा आ। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही गोए। परमात्मा दा जन जिहड़ा आ उह तां भाई परमात्मा वर्गा ही हुंदा, मालक वर्गा हुंदा आ। सो कहण दा भाव है जिहड़े गुरमुख लोग है, जिहड़े रब दे प्रेमी है, उहनां विच निम्रता होनी बहुत जरूरी है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये गल भी जरूरी नहीं है कि परमार्थ दे राह ते चलण लई ही निम्रता चाहीदी है। असीं समाज विच भी विचरना, असीं दुनिया दे विच भी विचरना आ, उत्थे भी साडे को नीमापन होना चाहीदा आ। मैं साडे विच नहीं होनी चाहीदी, हंकार साडे अंदर नहीं होना चाहीदा, क्योंकि मान मुनि मुनिवर गले मान सभे को खाए। जिन्हों के अंदर मैं आ, जिन्हों के अंदर अहंकार है, वो ज़्यादा देर नहीं चल पाते। गुरु प्यारी साध संगत जी, इत्थे हुण एक गल नूं विचारना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कई बार असी गुरबाणी नूं ठीक तरीके नाल समझदे नहीं, या समझाउण वाले च कोई कमी रह जाती है, तो असी गुरबाणी दे अर्थां नूं बिना सोचे समझे अपने विचार बड़ी छेती रख दिंदे। देखो सतगुरां ने इन्हां सलोकां दे विच सानूं किन्नी निम्रता सिखाई है, लेकिन निम्रता दा अर्थ यह नहीं है भी कोई साडे उपर जुल्म करदा रहे, कोई साडे उपर अत्याचार करदा रहे ते असीं उहदे अगे भी नीमे होके खड़े रहिए, ऐसा भी नहीं है। जे धन गुरु कबीर जी महाराज जी ने सानू इन्ने निमे होने लिए कहा आ, तो धन गुरु कबीर जी महाराज जी ने यह भी सानू सिखाया आ, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे तो ना छाड़े खेत। सच ले खड़ना भी पाएगा, सच दे ले लड़ना भी पाएगा, यह भी नाल सिखाया आ। हुण जिथे निमाणेपन की गल है उत्थे नीमे होके चलांगे, लेकिन जिथे गुरु प्यारी साध संगत जी सच दे लई खड़ना पवे उत्थे खड़ना भी चाहिए, उत्थे निम्रता नहीं चाहिए। सो इस करके जेकर असी सतगुरां दे इन्हां अनमोल बचनां नूं अपने जीवन ते लागू कर लईए, तो गुरु प्यारी साध संगत जी जीवन जिहड़ा आ ਇਹ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ अपने गुरु नू, अपने गुरु दे मिशन नू भुले हुए है। कदे सतगुरां दी पवित्र बाणी नू पढ़िए, उन्होंने किवें वहमां भरमां नू खत्म किया, किवें कर्म कांडां दा खंडन किया आ। जाना जी जाके ब्यास जाके इशनान करना, गंगा ते जाके इशनान करना, सतलुज जाके इशनान करना, त्रिवेणी ते जाके इशनान करना, असी समझते हैं भी भाई इशनान कर लिया साडे पाप धुल गए। एक बार इस तरह बड़ा जमावड़ा लग्या होया, कुंभ का मेला लग्या होया, लोग फटाफट इशनान करन ते होए पए आ, पैर रखने लई जगह तक नहीं।
धन गुरु कबीर जी महाराज ने सारे नु पुछे, कहन लगे भाई तुसी की कर रहे हो? तो सारे कहन लगे महाराज असीं तां इशनान करन आए हां। ये कहिंदे जिहड़ा कुंभ दा मेला आ इस वेले जिन्हां ने कहिंदे इशनान कर लिया उन्हां दे सारे पाप धुल जांदे और उन्हां नूं गां दरगाह दे विच जगह मिल जांदी है। धन गुरु कबीर जी महाराज कहन लगे कि भाई जिहड़ी गति आ जां गति आ जां मालक दी दरगाह मिलनी वह कल्ले नहाउण दे नाल नहीं मिल सकती, वह तां नाम दे नाल मिलदी, वह सिमरन दे नाल मिलदी है। लेकिन सारे कहन लगे नहीं महाराज इदां ही मिलदी है। हुण धन गुरु कबीर जी महाराज कहन लगे फिर ठीक है भाई मैनूं एक गल दा जवाब दिओ, जल के मजन जे गत होवे नित नित मेंढक नहावे। ते महाराज जी कहिंदे जे कल्ला भाई पाणी दे विच नहाउण दे नाल गति होणी हुंदी तां फिर डड्डू तां रोज़ नहाउंदे आ, फिर तां डड्डू ने मुक्ति लै जाणी सी। डड्डू नालों कई गुणा ज़्यादा पानी दे विच मच्छी रहिंदी, फिर तां भाई मच्छी ने मुक्ति लै जाणी सी। 42 लख जूना जिहड़ियां आ वो गुरु प्यारी साध संगत जी पानी दे विच रहिंदियां आ। धन गुरु नामदेव जी महाराज जी दे बचन 42 लख जी जल में होते बीठल पहला काए करो, फिर तां मुक्ति उन्हें लै जाणी सी। इस करके इन्हां महापुरशां ने सानू वहमां भरमां दे विचों बाहर कढ़िया आ। धन गुरु कबीर जी महाराज जी के जीवन नाल संबंधित इस तरह की एक होर घटना। हुण काशी बनारस जिहड़ा आ जां पूरी काशी कह लईए, इहनूं लोग शिव की नगरी भी कहिंदे आ। और काशी दे लई एक विशेष धारणा यह है कि जिन अपना अंतिम समा काशी दे विच जाके बतीत किया उन्हों मुक्ति मिल जाती है, उदे सारे पाप धुल जाते हैं। तो इस तरह जिमें काशी दे नाल ये गल जोड़ी हुई है भी जिहड़ा काशी दे विच आके अपना आखिरी समा बतीत करता है उन्हों मुक्ति मिल जाती है। तो इस तरह एक गल जुड़ी हुई है मगहर दे नाल। काशी तो थोड़ा दूर है धरती, मगर दी धरती। हुण उहदे नाल की विचार जोड़ी हुई है कि जिहड़ा भाई मगर दे विच जाके अपना अंत समा बतीत करदा गधे दी जूने चला जांदा है। हुण जब धन गुरु कबीर जी महाराज जी ने इस गल नूं सुनिया तो महाराज जी ने बड़ा समझाया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। इस करके धन गुरु कबीर जी महाराज जी ने यह फैसला लेना पिया और उन्होंने ये ऐलान किया कि भाई हुण मेरे जीवन का आखिरी समा आ और मैं अपने जीवन का आखिरी समा मगर दे विच जाके बतीत करांगा। सारे लोग गल्लां करन लग गए भी सारी उम्र इन बनारस दे विच काशी दे विच अपना जीवन बतीत किया, शिव दी नगरी दे विच अपना जीवन बतीत किया और अज जिहड़ा अंत समा आया आ जद मुक्ति दा वेला आया जाके मगर विच रहन लगे। लगदा कहिंदे कबीर दी मती मारी गई। धन गुरु कबीर जी महाराज कहन लगे कि भाई चाहे काशी है चाहे मगर है चाहे पंजाब है चाहे बनारस है चाहे महाराष्ट्र है चाहे कलकत्ता कुछ भी है, ये सारी धरती बनाई कहना उस परमात्मा ने बनाई है। सारी सृष्टि नूं पैदा करन वाला वो अकाल पुरख परमात्मा आप ही है। फिर मालक ने ऐसा भेद किवें रख दिता कि भाई एक आह धरती का हिस्सा है जे कोई इत्थे आके मरेगा तो वह मुक्ति लै जाएगा, एक आह हिस्सा ऐसा है जिहड़ा इत्थे मरेगा तो गधे दी जूने चला जाएगा। महाराज कहन लगे कि भाई जिहड़ी मुक्ति है वह तो नाम दे नाल मिलदी है ना कि स्थान बदलन दे नाल। जे काशी दे विच रहन दे नाल सभना नूं मुक्ति मिलदी हुंदी तां फिर तां भाई गल ही बड़ी वधिया सी, फिर नाम जपण दी लोड़ नहीं सी, फिर सिमरन दी लोड़ नहीं सी, फिर रब दी भी लोड़ नहीं सी। फिर तां की है कि आखिरी समा आया जाके काशी दे विच रहन लग पाओ और उत्थे जिहड़ा बंदा मरिया ते उह रब को चला गया, फिर नाम दी लोड़ ही नहीं सी पैणी, फिर सिमरन दी लोड़ नहीं सी पैणी।
ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਐਸੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੂੜਕਾਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜੇ ਪਤਨੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿੱਗਿਆ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਨੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਐਸੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਘਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੇ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ, ਇਹ ਬਾਰ ਕੈਸੇ ਜੀਵੇ ਰਗੁਰਾਈ। ਜਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਆ ਇਹ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੇ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ, ਇਹ ਬਾਰਕ ਕੈਸੇ ਜੀਵੇ ਰਗੁਰਾਈ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਬੁਨਣਾ ਤਨਣਾ ਤਜਿਓ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਓ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਮਾਉਂਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੋ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਬਾਰਕ ਕੈਸੇ ਜੀਵੇ ਰਗੁਰਾਈ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਮਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ,
ऐसी गल नहीं है कि काम करने मेरा मन नहीं करता, ऐसी गल भी नहीं है कि मैं अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहा। लेकिन जब लग तागा बाहे ओ बेही तब लग बिसरे राम स्नेही। मेरा उस मालिक नाल इन्ना क प्रेम पै चुकिया आ कि जिस वेले मैं नली विचों तागा परौन लई अपना साह अंदर नू खिचदा आ, बस ओ स्वास जिहड़ा स्वास आ ओ स्वास बिना नाम तो चला जांदा है। कैसी अवस्था दे विच पहुँच गए धन गुरु कबीर जी महाराज। जब लग तागा बाहो बेही तब लग बिसरे राम स्नेही, ओछी मत मेरी जात जुलागा हर का नाम लहेओ मैं लागा। ठीक है माँ, मेरी मत ओछी है, जा जुलाया, लेकिन मैं परमात्मा दे नाम दा लाहा लिया, मैं नाम दा तन खटिया आ। कहत कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रघुराई। ऐ मेरी माँ तू चिंता ना कर, मेरा तेरा सारिया दा दाता वो परमात्मा आ। और जिन जियो तो सो रिज, जिन जियो दिया सो रिज के अंबरावे, सब घट पीतर खाड़ चलावे। जिस मालिक ने सानू दुनिया ते भेजिया आ, ऐ माँ वो साड़ी पालना भी करेगा। हुण इत्थे गुरु प्यारी साध संगत जी, ये नहीं होए कि कल मेरे वर्गा भी उठ के अपने काम कार तो जवाब दे देवे कि भाई मैं तो नाम जपना, मैं काम नहीं करना। सतगुरु कबीर जी ने भी एक दिन अपना काम त्याग दिता सी नाम की खातर। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, पहला सतगुरु कबीर जी महाराज जी की अवस्था वल जरूर देख लेना। उन्हों का परमात्मा नाल जो प्रेम है, उन्हों का रब दे नाल जो प्यार है, कदे उस प्यार वल जरूर झाती मार लेना। कितने ऐसा ना हो दस मिनट नाम जपी तो सारा दिन वैसे वेले बैठे रहिए। हुण धन गुरु कबीर जी महाराज जी की अवस्था कैसी बन चुकी है, उन्हों का रब नाल कैसा प्रेम पै चुकिया आ। कल भी आप इस शब्द को विचारिया सी, कबीर सुपने हु बड़ड़ाए के जिह मुक निकसे राम, तिसके पग की पन ही मेरे तन को चा। महाराज जी कहिंदे अगर कोई सपने दे विच भी बड़बड़ा के परमात्मा दा नाम लै दिंदा आ, तिसके पग की पन ही मेरे तन को चाम, ते मैं अपने शरीर दी चमड़ी लंघावां और उस चमड़ी दी जुत्ती बनावां, और वो जिहड़ी जुत्ती है वो जोड़ा जिहड़ा आ मैं उहनूं भेट कर देवां जिहड़ा परमात्मा दा नाम जपदा आ। नाम दे नाल किहो जिहा प्रेम, नाम नाल किहो जिहा प्यार, ऐसा प्रेम होना चाहीदा आ। एक बार ऐसे कोई महापुरश बैठे आ, संगतां उन्हां दे नाल इसे तरह सवाल कर रही ने, ते गुरु प्यारी साध संगत जी संगत दे विच्चों किसी मैंबर ने उठ के अपने सतगुरां दे अगे कहा, कहण लगा महाराज अज मैं बड़ा खुश हाँ, अज मैं बहुत खुश हाँ। मेरे मन च बड़ी इच्छा हुंदी सी कि मैं तुहानू बिल्कुल सामने बैठियां नू देखां, ते अज तुसी मेरे बिल्कुल सन्मुख हो, अज तुसी बिल्कुल मेरे सामने बैठे हो, ते मैं इन्ना क ज़्यादा खुश हाँ कि मेरा अज मन इंज कर रहा आ कि मैं बुल्ले शाह दे वांग अपने पैरां दे विच घुंगरू पावां और घुंगरू पा के तुहाडे अगे नच्चां। ते उह जिहड़े महापुरशो की कहण लगे, कहन लगे ठीक है भगता, घुंगरू तेनू मैं लिया के देवगा, जरूर नच, जे तेरा मन नचण नू कहिंदा है ते जरूर नच, घुंगरू तेनू मैं लिया के देवगा, लेकिन उस दिन जिस दिन तेरी अवस्था बुल्ले शाह वर्गी बन जाएगी, पहला उस अवस्था दे विच पहुंचना। सतगुरु कबीर जी महाराज किस अवस्था दे विच पहुंचे, उन्हां दा प्रभु दे नाम दे नाल कैसा प्रेम है, गुरु प्यारी साध संगत जी उस प्रेम नू पहला जानना पएगा। और उस प्रेम नू जानन दे लई सानू वहमां भरमां चों बाहर आना पएगा, और वहमां भरमां दे विचों बाहर आने लई सानू की करना पएगा,
ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੂਜਣ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਸੇ ਸਲੋਕ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਹਾਂ ਧਰਮ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਸ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਵਾਏ ਆ। ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੀ। ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਬਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਔਰ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ।